आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल खट्टी मीठी राय में। आज हम मुड़वानी डैम, जैंत के मुड़वानी डैम में आए हुए हैं। यहाँ पे जो मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की तरफ से इसको पर्यटन के रूप में डेवलप किया जा रहा है, डैम को, और बोटिंग के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसमें NCL का सबसे बड़ा योगदान है, और इस पार्क को डेवलप किया जाएगा, कम्प्लीटली इको पार्क बनाया जाएगा। ये मुड़वानी डैम जो है, ये बहुत ही पुराना डैम है। तो हम यहाँ बैठे हुए, एक छोटा सा पार्क है यहाँ बना हुआ, अभी छोटा सा पार्क है, और बैठने की जगह है जहाँ हम और शिवेंद्र जी बैठे हुए हैं। आपको इस पार्क का भी नज़ारा दिखाते हैं, और ये जो डैम बना हुआ है, डैम के साइड में फुटपाथ वे बना हुआ है, वो भी वहाँ से सारा कुछ नज़ारा यहाँ का मुड़वानी डैम का आज आपको दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा व्यू बनता है, बहुत ही शानदार, और यहाँ से तो सनसेट व्यू बहुत ही शानदार बनेगा। सनसेट तक तो हम रुकेंगे नहीं, लेकिन मैंने देखा है, पहले भी देखा है, सनसेट बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे आप आके शांति से, सुकून के पल में आराम से बैठ सकते हैं, आप परिवार का छुट्टी बिताने आ जाइए, एक दो एक आध दिन की, एक शाम की। दोस्तों, जब आप फ्रस्ट्रेटेड हों या थके हुए महसूस करें, तो इवनिंग टाइम में आप अपनी फैमिली के साथ, पूरी फैमिली के साथ यहाँ आ सकते हैं, और एक इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है कि बिल्कुल शांति भरा माहौल, और पहाड़, पेड़, पत्थरों के बीच में एक छोटा सा पार्क, और ये पार्क फ्यूचर में बड़ा होने वाला है, जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया, इको पार्क बनने वाला है। और उसमें आपको यहाँ बोटिंग मिलेगी, बोटिंग की सुविधा मिलेगी, बोटिंग कर सकते हैं, माइंड फ्रेश कर सकते हैं बिल्कुल आके यहाँ। और यहाँ बिल्कुल अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, अभी भी मिल रहे हैं, इको पार्क डेवलप होने के बाद और भी अच्छे नज़ारे मिलेंगे देखने के लिए। आप बिल्कुल देख सकते हैं, हम आपको पूरा का पूरा यहाँ का व्यू दिखाएंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बिल्कुल से बिल्कुल हमारे चैनल के वीडियो को पूरा का पूरा ज़रूर देखें। वीडियो अंतिम देखें, वीडियो प्लीज़ स्किप ना करें, और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे हौसले को कई गुना बढ़ा देता है। हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बराबर लाते रहेंगे, और ये भी वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, अच्छा लगेगा। यहाँ पे आके आप डैम में तैर भी सकते हैं, जो तैरने वाले, जिनको तैरना आता है। मुझे तैर नहीं आता है, तैरने की तो परमिशन शायद नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हिंदुस्तान में जिस चीज़ की परमिशन नहीं होती वही होता है। जैसे अभी मैंने देखा कि कुछ लोग वहाँ पे फिशिंग कर रहे थे, फिशिंग की भी परमिशन नहीं होगी, लेकिन लोग कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ कुछ लोग फिशिंग भी कर रहे हैं। फ्यूचर में आप यहाँ बिल्कुल आइए, और फ्यूचर में यहाँ बोटिंग की भी सुविधा होगी इको पार्क बनने के बाद, और कई सारी सुविधाएं होंगी, वो उस टाइम पे हम देखेंगे, एक नया वीडियो शूट करेंगे, अपडेटेड वीडियो भी उस टाइम पे आएगा। जो हमारे अनमैरिड भाई लोग हैं, वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आ सकते हैं। बिल्कुल, आप अपने फैमिली के साथ आइए, जो फैमिलियर पर्सन है, और शादीशुदा लोग हैं तो खैर बेबी के साथ आया फिर। तो दोस्तों, ये डैम 1971-72 के लगभग में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बनवाया गया था, और ये केवल सिंचाई के लिए जो है बनवाया गया था, कि लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। ये खेती के हिसाब से बनवाया गया था, और ये पहाड़ों को जोड़ के और काट के पहले यहाँ पे एक तालाब हुआ करता था, और उस तालाब को डेवलप किया है डैम के हिसाब से। पूरे चारों तरफ पहाड़ों को जोड़ के बनाया गया है, पहाड़ों के बीच में पार्टीशन था, उस पार्टीशन को फिल किया गया है।